परिच्छेद 19 में विजय कृष्ण गोस्वामी आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव के वार्तालाप है। दक्षिणेश्वर के उसी पूर्व परिचित श्री रामकृष्ण देव के मंदिर में के कमरे में श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं काली मंदिर में। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी और श्री रामकृष्ण देव के पास परम भक्त बलराम बाबू, इनके साथ विजय कृष्ण गोस्वामी आदि सब भक्त आए हैं। और हम लोगों ने पिछले समय देखा था, चर्चा की थी किस प्रकार से आत्महत्या की बात निकली, उस लड़के ने आत्महत्या की, एड़ेदे का लड़का। तब वो बोलता था मुझे न जाने कितने ईश्वरों के दर्शन होते हैं, जान पड़ता है कि वो अंतिम जन्म था। फिर सौ साधना की बात उठी थी और एक भक्त बोल उठे आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण ने कहा था आत्महत्या करना महापाप है, घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। इसकी भी विस्तृत चर्चा हमने की थी कि क्यों आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करने के लिए क्यों लोग इस प्रकार से आकर्षित होते हैं या फिर अपने आप को वे रोक नहीं पाते आत्महत्या से, उसके क्या कारण हैं और आज किस प्रकार से आत्महत्याएं सारे संसार में बढ़ रही है, हमारे देश में बढ़ रही है, अन्य देशों में और भी अधिक बढ़ रही है ये आत्महत्या विभिन्न कारणों से। परंतु यह जो आत्महत्या, यह मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए कि यह जो मनुष्य जीवन मिला है वह एक विरल मनुष्य देह है, इसी मनुष्य देह में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। यह जो एक विरल हमारे पास एक अवसर है, उस अवसर को, दुर्लभ मानव शरीर को, इस अवसर को हम लोग खो देते हैं, इस सुनहरी तक सुनहरे मौके को। इतना ही नहीं, हमने कहा था यह एक जर्नी इन रिग्रेशन हो जाती है, मानो रिवर्स जर्नी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या मनुष्य जब करना चाहता है उसका कारण होता है कोई महान दुख या विपत्ति है और उसी कारण वह आत्महत्या करना चाहता है। परंतु यह जो कुछ दुख या विपत्ति आई है उसके जीवन में, यह उसके प्रारब्ध के वश आई है, उसके भाग्य में थी वह आई है और उसके खुद के पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ही वह भाग्य बना है। और जब तक कि वह उस कर्म का फल भोग नहीं लेता तब तक उसके उसकी रिहाई नहीं होती और इसीलिए यह उस कर्मफल से वह मुक्त नहीं हो सकता। और कर्मफल का भोग केवल मनुष्योनि में ही नया कर्म हो सकता है, कर्मफल का भोग के लिए उसे भोग योनि में जाना पड़ता है, उसके पहले उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। यह जो आत्महत्या का एक नया और दूसरा खराब या कर्म किया उसको भोगने के लिए, और फिर वह प्रेत योनि में से फिर से भोग योनि में जाएगा, मूड योनि में जाएगा और फिर मनुष्य योनि में आएगा और फिर जहां से प्रारंभ किया, जहां से उसने छोड़ा था, वहां से फिर से उसे प्रारंभ करना पड़ेगा। यह इतने वर्षों की राह देखनी पड़ेगी परंतु फिर उसी परिस्थिति में आना पड़ेगा और इस परिस्थिति का जब सामना उसे करना ही पड़ेगा आज, कल या 10,000 जन्मों के बाद। यदि आज वह कर लेता है किसी भी प्रकार से तो वह हमेशा के लिए छूट सकता है और इसीलिए इसे जर्नी इन रिग्रेशन, यह जो आत्महत्या, इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है। क्यों? एक यह जो विरल मनुष्य शरीर मिला है, मानव देह मिला है, उसे इस प्रकार से सर को छोड़ देना, और दूसरी बात है घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। वही संसार दुख मतलब जिस दुख से आतंकित होकर के मनुष्य आत्महत्या करना चाहता है वही दुख फिर से उसको भोगना पड़ेगा, वहीं पर आना पड़ेगा। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते, उस प्रकार का शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं, जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है
तब मिट्टी का साचा चाहे कोई रहे रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वरानगर में एक लड़का आता था, उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे से पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और न आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। इस प्रकार से कितने ऐसे कुछ विरले ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं कि जिन्होंने अपने कर्म का सब फल समाप्त कर लिया, प्रारब्ध उनका खत्म हो गया, जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था उन्होंने प्राप्त कर लिया, और इसलिए वो शरीर वो अब उस देह से जो कुछ होना था वो हो गया और शरीर उन्होंने छोड़ दिया, यह अलग बात है। श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं, जीव चार दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर या संसार जिनकी माया है ये मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती है तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती है, उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती है उनमें से सभी नहीं भाग सकती, दो चार मछलियां ही धड़ाम से कूद कर भाग जाती है, तब लोग कहते हैं वह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही दो चार मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, ये मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसे सावधानी से रहती है कि कभी जाल में आती नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्राय अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती है फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी है, अब मरना होगा ऐसा वे नहीं जानती। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती है और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती है। भागने की कोई चेष्टा नहीं बल्कि कीच में और गड़ जाती है, यही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न है, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें खूब जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई ज्ञान लाभ ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, पर इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवो संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं आता, कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। यह तो हम लोग देखते हैं कितना दुख मिलता है संसार के लोगों को, कितनी विपत्तियां मिलती है, परंतु फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आता, फिर वही का वही। श्री रामकृष्ण देव इनको तो किसी से कुछ मतलब नहीं है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको बाद में बचना मत पढ़ना हो तो पढ़ो, मत पढ़ना हो तो मत पढ़ो, जो सच है वो बता दिया, एकदम एक्सरे मशीन है, जो सत्य हकीकत है बता दिया, अच्छा लगे या बुरा लगे, यही श्री रामकृष्ण की खूबी है, विशेषता है। ऊंटी कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, और जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्य को इतना शोक ताप मिलता है किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए, औरत गुजर गई या बच्चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है, बच्चा मर गया कितना दुख पाया, और कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती है, जूड़ा बांधती है और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता,
ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। एकदम सचित्र वर्णन श्री रामकृष्ण देव ने कुछ बाकी नहीं रखते। ये चारों ओर जो हो रहा है, विशेष करके जो लोग बद्ध जीव हैं इनका ये है, जो मुमुक्षु जीव का ये चित्रण नहीं है। मुमुक्षु जीव कम से कम वो है भी बंधा हुआ, पर ये जानता है कि यह संसार माया है, संसार में हमें बंधना नहीं है। प्रयत्न करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस संसार में से छुड़ाओ। परंतु ये तो कैसे है बद्ध जीव, ये छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते। वो तो बोलते हैं कि हम बहुत मजे में हैं, और जो छूटना चाहती है बोलते कैसी मूर्ख मछलियां हैं, इतनी बढ़िया ठंडक है यहां पर कीचड़ में, उसको छोड़ करके भग रही है बाहर। कितनी जाल, कितनी बढ़िया जाल है, और कितना सुंदर खुराक मिला हुआ है, लॉजिंग बोर्डिंग सब फ्री है, एयर कंडीशन है, कीचड़ है, और ये छोड़ करके भग रही है। वो जानती नहीं अभी ये जितना फ्री लॉजिंग बोर्डिंग सब एयर कंडीशन है वो जाल में, थोड़ी देर बाद जाल निकालेगा मछुआरा, और फिर उसके बाद में बाहर निकालेगा, काट काट करके फिर सब्जी करके खाएगा। पर वो तो बात की बात है, अभी ये जो है, ये मछलियां जो पड़ी है वो क्या समझती, हम बड़ी सयानी है, बहुत सयानी, हम कितनी इंटेलिजेंट है, और ये कितनी मूर्ख है, ये मछलियां बाहर निकल गई, एयर कंडीशन छोड़ गए, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा था, कितना सुंदर चारा रखा था, खाना छोड़ करके झटक करके बाहर निकल गई। मूर्ख कहीं की, मूर्ख जो झटक के निकल गई उसको मूर्ख बोलते हैं, और जो निकलने का प्रयत्न करते हैं उसको भी मूर्ख बोलते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग जो आश्रम में जाते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, ये है मुमुक्षु जीव, कम से कम जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बाकी सब लोग हंसते हैं, अरे ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज है, ये अभी से करने के लिए क्या है, अभी मंदिर में जाना, आश्रम में जाना, क्या लगा है सब। बद्ध जीव वो बोलते हैं कि उसमें क्या रखा है, देखो हम लोग कैसा मजा कर रहे हैं, कैसा मजा कर रहे हैं, और ये मजा बाद में सजा हो जाएगा, वो जानते नहीं, उसी में मस्त हैं, उसे उनको पता ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है, आध्यात्मिक जीवन नाम की कोई वस्तु है। ये मनुष्य देह मिला है उसका एक विशेष प्रयोजन है, कभी सोचा ही नहीं। एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशन्ट नाम की वस्तु ही नहीं है। इंटेलिजेंस बहुत है, आईक्यू बड़े बहुत हाई है, कहाँ इन्वेस्ट करना, मनी कैसे करना, किसको फंसाना, किसको किस प्रकार से कितना पैसा बाहर लाना, ये आईक्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है। परंतु सब कीचड़ में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा कैसे खाना खा लेना, और ये मालूम नहीं कभी जितना भी खाओ बाद में तुम्हारा ये थोड़ी देर बाद जब जाल से बाहर निकालेंगे तब क्या दशा होगी, ये वो सोच नहीं सकते। उल्टा जो लोग मुक्त होने का प्रयत्न करे उसको मूर्ख बोलते हैं, जो लोग मुमुक्षु हैं उनकी ये लोग हंसी उड़ाते हैं, देखो देखो क्या पागलपन सवार हुआ है, चले निकले फिर से सत्संग में जा रहे हैं, अभी से सत्संग में जाना शुरू कर दिया, अभी से आश्रम जाना शुरू कर दिया, अभी से मंदिर जाना शुरू कर दिया, ये कोई उम्र है? बुढ़ापे में जाओ तो ठीक है, तो मानते हैं कि चलो भाई अब दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी से क्या है। यह बद्ध जीव का यह नेचर है। तो श्री रामकृष्ण देव अद्भुत वर्णन करते हैं ये सब। हमारे एक सज्जन, हमारे एक पहचान वाले हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे पर नाम नहीं देते हैं, जब बोलिए कैसे हैं, क्या करें, संसार में फंसे हैं, संसार में दुख के अलावा कुछ है नहीं, दुख ही दुख है, तो फिर ये साधन भजन सत्संग अभी तो नहीं होगा, थोड़ा जमेला में से कम हो जाए। ये सेम डायलॉग सुनते कितने साल हो गए, क्यों बोले कि क्या करें, नई बच्ची का जन्म हुआ है,
अब वो उसको लेकर के पड़े हुए हैं। फिर अगले साल फिर बोले नई बच्ची का जन्म हुआ, ऐसे 7 बच्चियां हुई। उसके बाद में 7 बच्चियां तो हो गई, अब वो 7 बच्चे को पढ़ाना, बोले इसका एडमिशन हो रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, ये किया। उसके बाद में बूढ़े भी हो गए, रिटायर भी हो गए, सब कुछ हो गया, मैं रिटायरमेंट के बाद जरूर भगवान का नाम लूंगा, जरूर आश्रम आऊंगा, सब बता रहे थे, हुआ नहीं कुछ भी। फिर बोले स्कोर कितना, बोले 2 का शादी किया, 5 बची, क्या स्कोर है, बोले 3 गई, अभी भी 4 बची। ऐसा करते 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 मुश्किल से थोड़े दिन पहले 7वीं गई और वो भी चले गए 7 ऊपर, टाइम ही नहीं मिला। वो 7 की शादी कराई, वो 7 का पैदा, 7 लड़कियों को पैदा करने में, उसको एडमिशन दिलाने में, उसको लालन पालन में, उसका शादी करके उसको सेटल कराना, ये करते 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 ऐसी हालत खराब हुई, सभी प्रकार के रोग हुए, वो भी ऊपर चले गए। अब भगवान का नाम लेने का टाइम मिला ही नहीं, आखिर तक नहीं मिला। ये बद्ध जीव, बद्ध जीव बोलता है क्या करे, संसार में फंसे हुए, बिल्कुल संसार अच्छा नहीं लगता। अरे तो प्रोडक्शन तो करते हो, हर साल एक एक नया नया मॉडल निकाल रहे हो, 7 मॉडल निकाल लिए, और फिर उसको 7ों को शादी कराना, उनको सेटल कराना, उनका एडमिशन कराना, ये सब में टाइम। श्री रामकृष्ण देव एकदम इतना सचित्र वर्णन करते हैं, संसारी मनुष्य को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। कितने लोग आते हैं, कैंसर हो गया, एकदम विवल हो जाते हैं, हाँ हस्बैंड को कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया, लड़के को कैंसर हो गया, एकदम विवल हो जाते हैं, तब एकदम संसार एकदम अलाना लगता है। कुछ दिनों के लिए तो बहुत बढ़िया, एकदम भगवान में मन, एकदम प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं रेगुलर आते, फिर उसके बाद जहां या तो मर गए, मरने के बाद 15 दिन रोए, उसके बाद जैसे थे, या फिर वो ठीक हो गए तो भी जैसे थे, बस। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ये आता दुख इसलिए है कि हम भूल जाते हैं भगवान, भगवान मान लो रिमाइंडर भेजते हैं, ये मानो भगवान का, यह हमको बड़ा आश्चर्य लगा। माँ शारदा देवी कहती है, देखो बेटी, सब लोग बोलते हैं कि जीवन में दुख है दुख है दुख है, अरे दुख तो भगवान का आशीर्वाद है। ये माँ कैसी बोलती है, दुख भगवान का आशीर्वाद है, सुख भगवान का आशीर्वाद बोलने से ठीक है, दुख भगवान का आशीर्वाद है, लोग जानते नहीं दुख भगवान का आशीर्वाद है, ये कभी मन बैठता ही नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अरे सुख भगवान का आशीर्वाद हम समझ सकते हैं, दुख भगवान का आशीर्वाद, कुछ गड़बड़ है। पर धीरे धीरे समझ में आता है, मां का कहना यही है कि जब दुख आता है तब भगवान का स्मरण होता है। कुंती माता को श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, वरदान ले लो, यदि एक ही वरदान दो कि हमको विपत्ति आती रहे, हमको दुख मिलता रहे। श्री कृष्ण भगवान, इतनी विपत्तियां कम है, कितनी विपत्तियां आई तुम लोगों पर, ये विपत्तियां तुमको कम लग रही, और विपत्ति चाहिए? बोले ऐसा तो कभी किसी ने वरदान नहीं मांगा। तब कुंती माता कहती है, देखिए भगवान, जब जब विपत्ति आती है तब तब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, जब जब तुम्हारा स्मरण करते हैं तब तब तुम्हारा दर्शन होता है, तुम्हारी कृपा होती है, जब विपत्ति नहीं आती हम भूल जाते हैं, इसलिए हे भगवान विपत्ति देते रहो ताकि हम तुमको याद करते रहें, ताकि तुम्हारे दर्शन होते रहें, ताकि तुम्हारी कृपा बनी रहे, क्यों विपत्ति नहीं आती तो हम भूल जाते, इसलिए प्रभु कृपा करके विपत्ति दो। तो कुंती माता की ऐसी हिम्मत थी, इतनी विपत्ति के बाद और विपत्ति मांग रही है, और हम लोग तो यदि एक भी विपत्ति अब दी है तो खैर नहीं तुम्हारी, तुम्हारे साथ एकदम कट ऑफ, एकदम कट ऑफ, तुम्हारे साथ मेरा कोई नहीं रहेगा,
कोई संबंध नहीं है, देख लिया। इतनी छोटी विपत्ति दूर नहीं कर सकते, कायक भगवान हो, कोई भगवान वगन कुछ नहीं है। मैं सब जगह बता दूंगा, कोई भगवान पे विश्वास मत करना। 3 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, सुन नहीं रहे, बहरा हो गया एकदम। अब हस्बैंड का ट्रांसफर नहीं करा रहा है, जाओ अब तुम्हारे साथ मैं आऊंगी भी नहीं और तुम्हारे दर्शन भी नहीं करने नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ कोई हमारा संबंध नहीं। हाँ, राजकोट में मैं था, एक बहन जी को, मेरे को आजकल क्यों नहीं आते, अरे मैंने तो भगवान के साथ तो किट्टा कर दिया। क्यों? बोले मेरा हस्बैंड का ट्रांसफर नहीं करा है, इतना प्रार्थना की, जाके क्या फायदा उसके पास प्रार्थना कर। दिल्ली में गया था अभी कुछ दिन पहले, बोले मंत्र जाप वगैरह कर रहे हो तो काहे का मंत्र जाप, सब छोड़ दिया। क्यों? अरे फायदा क्या है, वो तो ठाकुर वाकुर सब छोड़ दिया। अरे बोले मैं कितना उसको प्रार्थना की मेरे लड़के का एडमिशन दिलाने के लिए, एडमिशन नहीं दिलाया, वो काहे का भगवान, छोड़ दिया। चलो, मतलब भगवान हमारा गुलाम है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा, और जब कहेंगे तब करेगा। जल्दी करना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, नो डिले। ये ऑर्डिनरी सर्वेंट होगा तो ठीक है, तो हमारा स्पेशल सर्वेंट है, जब बोलेंगे तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, जैसा मैं कहूंगा ऐसा तुरंत करना पड़ेगा। नहीं किया बस हम त्याग कर देंगे, भगवान का त्याग, पूरा त्याग। कितने लोग रहते भगवान का त्याग कर देते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास एक बार एक भक्त आए, भक्त ने आकर के महाराज को प्रणाम किया, महाराज ने सामने ब्रह्मानंद जी महाराज सामने से उनको प्रणाम किया। वो तो बेचारा अचकचा गया, बोले महाराज आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम पर अकल्याण होगा, और आप तो त्यागी हैं, और त्यागी होकर के हम गृहस्थ को आप प्रणाम करते हमारा क्या? बोले त्यागी, त्यागी को मैं भी तो आप भी त्यागी है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। बोले मैं कहां त्यागी, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो गृहस्थी में फंसा हुआ हूं। तुम ये मुझे बताओ कि संसार बड़ा है ना ईश्वर? बोले ईश्वर ही बड़ा है, संसार तो कुछ नहीं है, संसार तो मिथ्या है, 3 काल में मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर ही बड़ा है और संसार छोटा है। तो देखो हमने संसार का त्याग किया, छोटी सी चीज का त्याग किया, तुमने तो भगवान का त्याग किया, बड़ी चीज का त्याग किया, तुम बड़े त्यागी हो इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूं। बड़ी चीज का त्याग किया तो बड़े त्यागी, छोटी चीज का त्याग किया तो छोटे त्यागी। हमने तो वो संसार एकदम वृथा संसार, मिथ्या संसार, उसका त्याग किया, कौन बार बड़ा त्याग किया। आपने तो पूरा भगवान को ही त्याग कर दिया, इतने बड़े भगवान का आना ही छोड़ दिया इधर आश्रम में, आप तो बड़े त्यागी हैं। तो बेचारा वो भक्त लज्जा में पड़ गया। परंतु यह श्री रामकृष्ण देव इतना सचित्र वर्णन करते हैं, कितने हम प्रतिदिन इस प्रकार के उदाहरण हमको मिलते, प्रतिदिन इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। हर साल बेटियों बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता, मुकद्दे में बाजी में से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकद्दमे के लिए लोटा डोटा के, कितने लोग हमने देखा, हमने कितना समझाया, क्या करोगे भाई, ये तो केस चलेगा कितने साल तक, तुम्हारे लड़के के लड़के को भी नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी, और पैसा सब वकील के पॉकेट में जाएगा, तुम्हारे पॉकेट में कुछ आने वाला नहीं। ईगो है, दिखा दूंगा, क्यों ऐसा किया, मैं दिखा दूंगा। दिखाते दिखाते चले गए स्मशान यात्रा में, दिखाते दिखाते वो जज भी ट्रांसफर हो गया, तो उसका भी ट्रांसफर हो गया, इसका बॉडी ट्रांसफर हो गया, जज का पोस्टिंग ट्रांसफर हो गया, उसका भी ट्रांसफर हो गया, केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसके लड़के के लड़के चला रहे हैं केस, मुकदमा चल रहा है। यह फिर भी पैसा सब खत्म हो गया, उधार मांग मांग करके वकील को देते हैं और मुकदमा चलाते हैं। जितने लड़का पैदा हुए थे, जितने लड़के पैदा हुए थे, अच्छा भोजन अच्छे कपड़े अच्छा कर उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है, जितने लड़के पैदा उसी को करने का तैयार। ये हम लोग चारों ओर देखते हैं, ये संसार की सब माया, ये संसार का पूरा चित्र करते हैं। कभी कभी तो सांप छछुंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वो उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आदमी को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था,
मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। श्री रामकृष्ण को पता नहीं कि ताश खेलना तो बहुत अच्छा काम करता था। आजकल तो लोग क्या क्या धंधे करते, 50 साल की उम्र, क्या 70 साल की उम्र में, ये उनको पता ही नहीं है रामकृष्ण देव को। तो उस समय जमाने में श्री रामकृष्ण को बुरा लग रहा था, 50 साल की उम्र हुई ताश खेल रहा है, कौन बड़ा खराब काम किया, हम लोगों को तो पता ही नहीं लगता क्या इसमें खराब काम किया। श्री रामकृष्ण का कहना है कि मानो भगवान का नाम लेने का भी टाइम नहीं लिया, काम नहीं हुआ, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं। इसलिए वो बोलते हैं उनको बुरा लग रहा है कि 50 साल उम्र हो गई फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। अरे जो टाइम मिला एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व की है, तो उसका उसको भगवान का नाम लेने में लगाना चाहिए, उसके बोले ताश खेल रहा है। और रामकृष्ण देव यदि अभी आ जाए तो बेहोश हो जाए, ये सब बूढ़े लोगों को देख करके, 70 साल के बूढ़े 60 साल के बूढ़े क्या कर रहे हैं, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई नहीं। कितनी सारी क्लब लगाते हैं, कितने सारे मनोरंजन के कार्यक्रम कराते हैं, कितने प्रकार के उधर की गपशप हाँकते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, बहुत प्रकार के उनके पास टाइम है। ताश खेलना तो बहुत अच्छी बात है, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं आया, नहीं आया, नहीं हो सकता, क्योंकि जो बचपन में नहीं आए संस्कार वो कैसे आएंगे। पर ये श्री रामकृष्ण का ये कहना, और कहते हैं बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा। उसी प्रकार से जो बद्ध जीव है उसको कभी गलती से भी आप ले आए खींच करके आश्रम में, वो तड़प तड़प के मरेगा, तुरंत बोलेगा भगो भगो भगो, बोले चलो कब चलना है कब चलना है, अच्छा थोड़ा सा ये एक भजन होने के बाद, अच्छा तुम ऐसा करो तुम भजन सुनो हम बाहर गेट पे पास वेट करते हैं, नहीं रह सकते, वो गेट के अंदर ही आ नहीं सकते, आए तो वो वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाएंगे जो बद्ध जीव है। क्यों? विष्ठा का कीड़ा, वो कभी अच्छी जगह पर नहीं रह सकता, उसको विष्ठा में ही आनंद आता, नहीं आ सकेगा। पहली बात तो गेट में आने से ही उसको प्रॉब्लम होगा, कुछ एकदम आपको बोलेगा वो, आप आज आ जाइए हम लोग बाहर खड़े हैं, आप बोलेगा कीच कोई बात नहीं थोड़ा सा दर्शन करके चले जाएंगे, आओ ना, आएगा तो तुरंत बोलेगा कब निकलना है, बोले बस अब आरती खत्म हो रही है, अच्छा बोले ठीक है तुम आरती खत्म करके हम वहां बाहर वेट करते। ये आज की बात नहीं है, ये बड़ौदा की बात नहीं है, दक्षिणेश्वर में ऐसा होता था। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव कहते हैं कुछ भक्त आए, वो आकर के रामकृष्ण देव का बहुत अच्छा लगता है, रामकृष्ण देव की बातें सुन रहे हैं और पीछे से वो ऐसा ऐसा कर रहा है, चलो ना चलो ना, वो बोलता है अरे थोड़ी देर के बाद चलते हैं, तो ऐसा करो हम लोग वहां नौका में जाकर के हम लोग राह देखते, तुम बाद में आना, नहीं बैठ सकते वो लोग, सहन नहीं कर सकते वाइब्रेशन, जो पवित्र वातावरण की जो तरंगे है सहन नहीं कर सकते। बंबई में खार में हमारा आश्रम है, एक बहुत फेमस फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर, उनके लड़के वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, सुप्रसिद्ध फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर, वो एक बार आए थे उधर बंबई आश्रम में, उनके पिताजी तो मानते थे, बहुत बार आते थे, लड़का नहीं आता था, एक बार वो लड़का आया, आने के बाद ऐसा शराब पीकर आया था थोड़ा सा, मंदिर में जैसे ही गया एकदम कांपने लगा, इस प्रकार से ऐसा ऐसा कांपने लगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, तुरंत वहां से भगा, वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाया तुरंत भगा वहां से, शराब पीकर आया था। तो जो प्योर वाइब्रेशंस, इसको सहन करना भी कोई कम बात नहीं है, नहीं कर सकते वो लोग। जो विष्ठा का कीड़ा यदि होगा वो आश्रम में आ नहीं सकेगा, कोई पवित्र जगह जा नहीं सकेगा, और यदि जाएगा तो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करेगा, वो सहन नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो असह्य हो जाता है। जैसे एक विष्ठा के कीड़े को
अच्छी जगह रखो तो मर जाएगा वो, नहीं रह सकता, उसको विष्ठा में ही आनंद आता है। उसी प्रकार जो बद्ध जीव है, घोर संसारी जीव है, वो कभी सत्संग में नहीं जा सकेगा। सत्संग में जाने से उसका मन बोलेगा चलो भगो भगो भगो, जल्दी से भगो जल्दी से भगो, नहीं रह सकता। इसलिए कई कई बोलते हैं ना कि हम लोग को कुछ बोल भी देते क्या करें, हमको तो इच्छा तो हम भी करते हैं, पर पता नहीं क्या चीज है कि लास्ट मोमेंट में वो लगता है अच्छा छोड़ दो आज नहीं जाएंगे। ये क्या, कौन बोलता है उसको मन में, अच्छा छोड़ दो अगले रविवार को देखेंगे, बाद में देखेंगे, नहीं होता है। इतने प्रकार से हमारा मन हमको रोकता है। इसलिए ये जो वाइब्रेशंस, जो प्योर वाइब्रेशंस, पवित्र वातावरण तरंगे, ये सहन करना साधारण जीव के लिए, बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। यदि किसी को इस वातावरण में अच्छा लगता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो समझ जाना चाहिए मन बहुत ही उच्च स्थिति में है, मतलब मुमुक्ष जीव होगा और बहुत अच्छा पवित्र मन होगा, तभी वो पवित्र जगह पर जाकर के उसको मन में शांति मिलेगी, नहीं तो वहां का वातावरण, वहां के तरंगे वो सहन नहीं कर पाएगा। यह एक टेस्ट है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट की को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो सब मर जाएगा। विजय कृष्ण गोस्वामी अब प्रश्न पूछते हैं, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है? अब आपने तो बता दिया बद्ध जीव कैसे होते हैं, अब उसकी मुक्ति का कोई उपाय है कि नहीं, तो मुक्ति कैसे हो सकती है? श्री राम कृष्ण, ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, ये सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ा और कुछ नहीं जाता चाहता, संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग दिखता है, उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता, काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था, उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ, उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं, रोटियां ठंडी हो रही है, तुम तो हर काम में हट करते हो, काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान वो स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या, देखती नहीं पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे, सबको भूखे मरना पड़ेगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कलकल स्वर से बहता हुआ जा रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आप डोल और डोल रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जी दिया है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते। तब वो चुपचाप कुदाल एक रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका
ये मंद वैरागी उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन भी नहीं कर सकता। इसके लिए हठ चाहिए कि मैं इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करूंगा, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प चाहिए, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और नहीं, दूसरे मंद वैरागी बोलते हैं, अच्छा अच्छा अब तुम बोलते हो, चलो नहा लो खा लो, पानी बाद में होगा, बाद में भूखे मरना पड़ेगा, वो जानता नहीं, अभी तो खा लो, फिर सारी जिंदगी सारा साल बिना खाए रहो। और ये नहीं खाऊंगा, नहीं स्नान करूंगा जब तक पानी नहीं आएगा, पानी आएगा फसल होगी, सारे साल का मुझे प्रबंध करना है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होगा तब सफलता मिलती है। श्री रामकृष्ण ने पूछा विजय कृष्ण गोस्वामी को, पहले तुम इतना आते थे और अब क्यों नहीं आते? विजय ने कहा, ये आने की बड़ी इच्छा रहती है, पर अब मैं स्वाधीन नहीं हूं, ब्राह्म समाज में नौकरी करता हूं। श्री रामकृष्ण ने कहा, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है, कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर वे नहीं गए, कहा राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद हाजिर होते थे, कहते थे महाराज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये निर्माल लाए हैं, धारण कीजिए, आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। जहां शादी हुई खुद आना शुरू कर दिया, एक के बाद एक रिक्वायरमेंट होगी। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ना, नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तो वीरभद्र डर गए, वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो इनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए, कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं थी, भाटा हो गया तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भगतों में से 100 समझ गए कि वीरभद्र क्या कहेंगे, आचार्य की बात को टालनी नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात्कार ही नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौटकर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेगी, तुम लोग इनमें इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, पर हम में से 100 न जाने कहां चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी, फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया, श्री के साथ रहने के कारण वो बल चला जाता रहा, क्योंकि इसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से कहा, तुम लोग स्वयं यह देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो, देखो कितनी परीक्षाएं पास करने वाले, कितनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों की बुक की ठोकरें खाते हैं, इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके ये हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए ये अपमान दासता की ये इतनी मार। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाए तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती, घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्र बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है, बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्र है और कामिनी छोटा चुंबक पत्र है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी। एक भक्त पूछते हैं, महाराज स्त्रियों से क्या घृणा करें? श्री रामकृष्ण, जिन्होंने ईश्वरलाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो, वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से कहा, तुम कभी कभी आया करो
तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। विजय कहते हैं, ब्राह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर आऊंगा। श्री रामकृष्ण कहते, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है, ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते, उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रह जाती। पहले साधना करके जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है, उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर जाते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुलगपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहां कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी, तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है, संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। विजय कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, महाराज ब्राह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य में वह शक्ति कहां कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। यह गीता में की बात है कि जो मायाधीश है उनके शरण में जाने से वे उनसे मुक्त कर देते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल कि जीवों का भवबंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट जाऊ तले की ओर जा रहा था, एक मेंढक की आवाज सुनाई दी, जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़िया वाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भव्यता दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा यदि कोई असल सांप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़िये वाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की फांसी कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। उपनिषद में इसके लिए वाक्य कहा गया, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, दंदरणमाना जगन्यमाना, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः। तो एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करता है और चारों ओर घूमते रहते हैं और कुएं में गिर के मर जाते हैं, उसी प्रकार से सद्गुरु यदि नहीं रहे, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर गुरु शिष्य दोनों को दुख पड़ता है, जिस प्रकार से वह सांप ने उस मेंढक को पकड़ा था। विजय कृष्ण गोस्वामी पूछते, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों रो रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव का अहंकार ही माया है, यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली, यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूं यह ज्ञान हो गया तो मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है, मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्या न हो उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते, उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं।
यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ, अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। तो श्री राम कृष्ण देव प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा बता दिया, अपने पर्दे को करके कहा, देखो इतना तुम्हारे नजदीक हूं फिर भी तुम मुझे देख नहीं सकते हो, क्यों? बीच में पर्दा आ गया, ये माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, अहंकार का पर्दा। बस अहंकार का पर्दा दूर कर दो, तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटु का वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। कबीर का भजन है, घूंघट का पट खोल दो, अज्ञान का पर्दा खोल दो, माया का पर्दा खोल दो, अहंकार का पर्दा खोल दो, तुरंत ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है। श्री राम कृष्ण देव ऐसे 100 साल पहले की बात, उस समय काली किनार की धोती ये एक शौक में गिना जाता था। अब तो धोती कोई पहनता ही नहीं, उस समय का वो लेटेस्ट फैशन वही था, लेटेस्ट फैशन काली किनार वाली धोती, वो पहनने से बोले प्रेम गीत अपने आप निकलता है। तो आजकल के जमाने में जैसे वो जींस पहन लेते लड़के लोग और तुरंत एकदम से प्रेम गीत निकलते उनके मुंह से, उसी प्रकार से उस समय के जमाने का जींस वही था, काली किनार की धोती। बोलते हैं काली किनार काली धारीदार धोती पहनी कि देखना प्रेम गीतों की तान मुंह से अपने आप निकल पड़ती, और ताश खेलना सैर सपाटे निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। एक बार ड्रेस बदलने से एकदम पावर आ जाता है, नया लेटेस्ट ड्रेस बदलने से तुरंत एकदम लगा लेटेस्ट मॉडल की, फिर फटफटी में निकले, एकदम हीरो होंडा में बैठ गए, पुर्र करके निकले, एकदम जैसे राजा बन गए पूरे दुनिया के। एक बार वो ड्रेस बदलने से ही पूरा उसका नेचर बदल जाता है लड़के। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं इस प्रकार से उपाधि जो है उसका इतने असर होती है, जीवों का स्वभाव बदल जाता है। सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, उस समय के जमाने में जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे जो सैर सपाटे के लिए निकलते थे तो बड़ी छड़ी लेकर के निकलते थे, बड़ी छड़ी ये उनकी प्रेस्टीज का उनका था। आजकल तो छड़ी कोई लेते निकलते नहीं है, परंतु उस समय के जमाने में निकलते हाथ में छड़ी लेकर, ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है, और सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कर चढ़ता है। जहां अच्छे वाले बूट पहने तो एकदम से फट 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 बूट का आवाज करता हुआ सब सीढ़ी पर चढ़ता है। ये अपने आप साइकोलॉजिकल है, बोलना नहीं पड़ता लड़के को कि तुम ऐसा कूद कूद के चढ़ो बड़े साहब के समान, वो पहनने से उसको लगता है मैं बड़ा साहब बन गया। ड्रेस पहनने से ही अपने आप उसको लगता है मैं राजा बन गया। ड्रेस उस प्रकार का पहनने से लगा कि बस सारे दुनिया का मैं अभी सम्राट बन गया। हीरो होंडा पर बैठा लगा कि बस पूरी दुनिया मैंने जीत लिए है, अब सारा रास्ता मेरा है, लगाओ फुल स्पीड में, चाहे कोई सामने गाड़ी आती हो जो भी हो लगाओ, अब तो मैं सम्राट हूं। वो सम्राट बन जाते हैं, कोई ट्रैफिक रूल कुछ नहीं, सम्राट को कोई ट्रैफिक रूल होता है, ये लड़कों को कोई ट्रैफिक नहीं है। आप देखना ऐसे निकलते हैं, फट करके निकल गए, बाएं से लेकर के ओवरटेक करके इधर से करके ऐसा निकल कर निकल गए, उनको कोई नहीं है।
एकदम। मैं तो कहता हूं ये लोग सबसे परम ज्ञानी है लोग, इनको मृत्यु का कोई डर ही नहीं है, ऐसे हिम्मतवान है, बहादुर है ये तो सचमुच में, ये लोग ये तो जीवन मुक्त है इन लोग एकदम। ये आजकल के लड़के सब मॉडर्न लड़के कुछ नहीं, जिस प्रकार से चलाते हैं, एक बार हीरो होंडा के बैठे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी में लगता है कि बस हम सम्राट बन गए। वो जींस पैंट पहना, लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस और लेटेस्ट मॉडल के पहने, बस मैं सम्राट बन गया, बस एक पूरा उसका नेचर बदल जाता है। श्री रामकृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, ये साइकोलॉजिकल असर कितना पड़ता है उपाधि का, ये सब वर्णन करते हैं उन्होंने, उनका कितना कीन ऑब्जर्वेशन है उस समय के जमाने में, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यदि कोई काली किनार वाली धोती पहने तो अपने आप छड़ी घुमाना शुरू करता है, और यदि बूट पहन लिया तो एकदम उछल उछल करके राह के सामान चलता है और सीटी बजाना शुरू हो जाता है। जहां अच्छा वाला बूट पहना सीटी बजाना शुरू हो गया, जहां काली किनार वाली धोती पहनी कि प्रेम गीत मुंह से निकलना शुरू हो गया। ये श्री रामकृष्ण का कीन ऑब्जर्वेशन उस समय के जमाने। तो कहते हैं चाहे दुबला पतला ही हो पर बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कूद चढ़ता है, उछल उछल कर। मनुष्य के हाथ में कलम रहे उसका यह गुण कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। यह उपाधि रुपया भी एक विचित्र उपाधि है, रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था, बाहर से वो बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कुन्नगर गए, हृदय साथ में था, हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है, शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा अरे रू सुना इसके धन हो गया है, इसी से आवाज किरकिराने लगी है। हृदय हंसने लगा, पैसा आने से क्या आवाज बदल जाती है लोगों की। हम लोग देखते हैं संसार में, मान लो कोई अचानक धनपति हो गया, ज्यादा हो गया, एकदम उसका रंग ढंग से बदल जाता है, बात करने का लिहाजा बदल जाता है, एकदम हवा में तैरने लग जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, एकदम पूरा बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। ये तो हम लोगों ने देखा है। श्री रामकृष्ण कीन ऑब्जर्वेशन, एक बार रुपया ऐसी खराब चीज है, एक बार रुपया यदि आया खत्म फिर उसका बचना मुश्किल है, किसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेगा। रुपया इतनी खराब चीज है, इसीलिए श्री रामकृष्ण बोलते बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां पैसा आया ज्यादा तो वह उस पैसे के साथ बाकी सब जो उनके दुर्गुण वो तो आते ही हैं, और सबसे बड़ा दुर्गुण यह है अहंकार आ जाता है। जहां पैसा आया थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठा हुआ बस अहंकार आ गया, उपाधि आ गई, मैं आ गया। और फिर रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, किसी मेंढक के पास एक रुपया था, वह एक बिल में रखा रहता था, एक हाथी उस बिल को लांग गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर बोला, हाथी को लात दिखाने लगा, बोला तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांग जाए, रुपये का इतना अहंकार होता है। मेंढक हाथी को लात दिखा रहा है, है तेरी इतनी हिम्मत, जानता नहीं मैं कौन हूं, एक रुपया केवल था, उसी से उसको इतना अहंकार हो गया कि हाथी को लात दिखाने लगा, तेरा इतनी मजा मेरे बिल पर से तो जा रहा है। मेंढक हाथी को लात दिखा रहा है, ये हमको सुनकर के बहुत हंसी आती है। मेंढक कभी हाथी को लात दिखा सकता है? वो सचमुच में अब संसार में देखेंगे यही हो रहा है। जितने संसारी लोग हैं इतना छोटा छोटा, अरे सैलरी हाइक हो गया तो कितना हुआ, 12,000 का 15,000 हुआ, 20,000 का 25,000 हुआ, उसमें तो मानो एकदम ऐसे हवा में तैरने लग गए, वो मेंढक के समान जैसे एक रुपया मिला। और फिर किसको बताते हैं लात, हाथी को लात बताते हैं वो मेंढक। उसी प्रकार से जो करोड़पति हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। यह रुपया, यह अहंकार अपने आप आता है। इसीलिए
श्री रामकृष्ण कहते हैं ये अहंकार यही माया है। ये अहंकार एक बार यदि आया, अज्ञान का पर्दा यदि आया, उसके बाद अपने आप यह अज्ञान के पर्दे आने से ये हमें ईश्वर का दर्शन नहीं करने देता और फिर हम बद्ध हो जाते हैं और बद्ध जीव के जितने लक्षण है सब हमारे में आ जाते हैं। बद्ध जीवों के लक्षण से छूटना है, अज्ञान के पर्दे को, अहंकार के पर्दे को दूर करना पड़ेगा, ईश्वर के शरणागत होने पड़ेगा। यह अहंकार जो है, यह अहंकार या अहम या अहम या अहमता या ममता, मैं और मेरा, इसी के कारण सारी झंझट है। तो श्री रामकृष्ण इतने सरल उदाहरण द्वारा, दैनंदिन जीवन के जीवंत उदाहरण द्वारा एकदम सचोट रूप से हमको बताते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, कैसे सावधान रहना है, क्या हमारा रास्ता है। ये बहुत सुंदर श्री रामकृष्ण वचनामृत के माध्यम से हमें श्री रामकृष्ण देव के इन उपदेशों का हमको मिलते हैं।